दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ऐसा शहर है जहां दुनिया की सबसे शानदार इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, जहां हर एक प्रोजेक्ट को हदों को तोड़ने और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बनाया जाता है। एक शख्स हैं जो जानते हैं कि इस शहर में अपनी छाप कैसे छोड़नी है और उनका नाम है मोहम्मद अलमूला। दुबई ने ये साबित कर दिया है कि आपके सोचने की आज़ादी की कोई सीमा नहीं। ये जरूरी है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करें उसमें इंजीनियरिंग की हदों को पार करने की लगातार कोशिश करते रहें। दुबई कई चीजों के मामले में अपना बेस्ट देने के लिए जाना जाता है, सबसे ऊंचे टावर से लेकर सबसे बड़े एयरपोर्ट तक। मुझे यकीन है कि अगले कुछ महीनों में दुबई में एक और नया मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर आपका कोई सपना है तो यहाँ लोग आपके साथ मिलकर उसे पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। रेगिस्तान में बसे इस शहर को सर्वाइव करने के लिए शानदार चीजें बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दुबई की सबसे जानी मानी वाटरफ्रंट लोकेशंस अब कम पड़ रही हैं, जिसका मतलब है कि इंजीनियर्स को लगातार कुछ नया सोचना होगा। दुबई में समंदर के किनारे की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे टूरिस्ट आते हैं जिन्हें बीच पर जाना पसंद है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ उनके लिए पर्याप्त बीचेस हों, तो हमें किनारे को फैलाना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें आगे बढ़ने के लिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। जहाँ जमीन न हो वहाँ कुछ बनाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सैकड़ों सालों से इंसान समुन्द्र किनारे की जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता आ रहा है। 18वीं सदी की शुरुआत में समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने का क्रेज बढ़ने पर ब्रिटिश ने किनारे पर पहले प्लेजर पियर्स बनाए थे, और फिर 1905 में एबट किनी समुद्र किनारे शहर बसाने के लिए अंदर तक कनाल्स ले आए, जिससे वेनिस बना और कैलिफोर्निया। लेकिन दुबई के इंजीनियर्स उसके मुकाबले कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। वो एक नया आइलैंड बना रहे हैं, ये है ब्लू वाटर्स। जहां पहले पानी के अलावा कुछ नहीं था, अब वहां पर एक पूरा सिटी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला एक मेगा स्ट्रक्चर भी बनने वाला है। आइन दुबई, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। मेरे ख्याल से ये इस वक्त दुनिया में हो रहा सबसे चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। जब आप दुबई आएंगे तो आपको ये व्हील दिखेगा और इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुझे यकीन है कि लोग इसे देखते रह जाएंगे और इसकी मिसाल देंगे। आठ लाख क्यूबिक मीटर पत्थर और 40 लाख क्यूबिक मीटर रेत से बना ब्लू वाटर्स आइलैंड 12 न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉक से भी बड़े एरिया को कवर करता है। इस पर कई रेजिडेंशियल टावर्स, शॉप्स और 5-स्टार होटल्स बनाए जाएंगे। इसकी शान बढ़ाने वाला है ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा। 250 मीटर से भी ऊंचा बेमिसाल इंजीनियरिंग से बना ये व्हील ब्रिटेन की मशहूर लंदन आई से दुगना बड़ा होगा। लेकिन करोड़ों डॉलर के इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी चुनौतियां भी शामिल हैं। वहां जमीन कैसे बनाएं जहां समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्लू वाटर्स आइलैंड हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि डेजर्ट की रेत आइलैंड कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं। इसे इतना मजबूत कैसे बनाएं ताकि इस पर कई बिल्डिंग्स और एक मेगा स्ट्रक्चर टिक सके। ऐसी रेत सिर्फ कुछ हद तक ही वजन को सह सकती है। ये मैदानों की जमीन के मुकाबले लगभग 10 या 20% के बराबर ही होती है। और कैसे एक व्हील बनाएं जो अब तक बनाए गए सभी व्हील्स में सबसे बड़ा हो। इन केबल्स को बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर हमने सारा दबाव नीचे डाल दिया तो इससे इसका रिम बेंड हो जाएगा। ब्लू वाटर्स आइलैंड में हम इन हदों को पार कर रहे हैं। ये सब करने के लिए उन्हें पुराने आविष्कारों से प्रेरणा लेने की जरूरत होगी।
आप इस खतरनाक कटर व्हील को देख सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को करीब से देख रही हूँ। ये सच में एक बहुत ही कमाल की मशीन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से है और ये सबको चौंकाना चाहता है। एक ऐसी जगह जहां पर सब मुमकिन है और इसका लेटेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है ब्लू वाटर्स आइलैंड। 280,000 स्क्वायर मीटर की जमीन पर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बसाया जाएगा जहां पर पहले सिर्फ समुंदर था। इसके साथ ही सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील भी बनेगा जो 85 मंजिला इमारत के बराबर होगा। लेकिन दुनिया को हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग को मुमकिन बनाने के लिए इसकी टीम को कुछ बहुत बड़ी दिक्कतों का समाधान ढूंढना होगा। ओके, चलो चलें। सिविल इंजीनियर क्वीन स्वियर्स आइलैंड कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहे हैं। हाँ, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, काम की शुरुआत समुंदर की जानकारी लेने से की जाती है। हम काम की शुरुआत इन सर्वे से करते हैं जिसमें हम सी फ्लोर की मैपिंग करते हैं जहां पर हमें आइलैंड बनाना है। एक तरह से यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनार और जीपीएस से क्वीन और उनकी टीम समुंदर के ताल की मैपिंग करते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, दिख गया, परफेक्ट। ये गहराई लगभग 7 मीटर की होगी। हाँ, ये 7 से 9 मीटर के बीच है। ओह अच्छा, अब इसके बेसिस पर हम आइलैंड का डिजाइन लेवल तय कर सकते हैं। ब्लू वाटर्स को बनाने के लिए 40 लाख क्यूबिक मीटर रेत चाहिए होगी, लेकिन दुनिया के 5वें सबसे बड़े रेगिस्तान में होने के बावजूद दुबई में सही रेत मिलना बहुत मुश्किल है। डेजर्ट की रेत आइलैंड बनाने के लिए सही नहीं होती। डेजर्ट की रेत के पार्टिकल्स असल में बहुत राउंड होते हैं और इससे अलग अलग ग्रेन्स को आपस में बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल एक जार में भरे मार्बल्स की तरह है। तो इंजीनियर्स को समुंदर के नीचे से रेत लेनी होगी। हम मरीन सैंड यूज करते हैं। मरीन सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि ये खुरदरी होती है और मरीन सैंड में पार्टिकल्स की ग्रेडिंग अलग अलग होती है। वो पार्टिकल्स खुरदुरे होते हैं इसलिए आसानी से सेटल हो जाते हैं। मरीन सैंड साइट्स यहां से 30 नॉटिकल माइल्स दूर हैं, जिससे इंजीनियर्स को मुश्किल हो रही है। रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए रेत को लोकेशन तक लाने की जगह हमें समंदर से ही मटेरियल को आइलैंड तक ले जाने का कोई तरीका खोजना होगा। ये एक ऐसा मिशन है जो पुराने आविष्कारों के बिना इम्पॉसिबल होगा। फ्लोरिडा का मायामी बीच आज ये दुनिया का सबसे शानदार और चकाचौंध वाला इलाका माना जाता है, लेकिन करीब 100 साल पहले ये बस एक दलदली इलाका हुआ करता था। इसे बदलने वाले शख्स का नाम था कार्ल फिशर। उन्होंने इस दलदल को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में बदलने का प्लान बनाया था। मैकेनिकल इंजीनियर डैन डिक्रल ये पता लगाएंगे कि उन्होंने वो कैसे किया। ओह वाव, ये कमाल का है। यहाँ दलदल में एयरपोर्ट चलाने का मजा ही कुछ और है। वाव वाव, ये है असली फ्लोरिडा। 20वीं सदी की शुरुआत में मायामी का कोस्ट बहुत अलग हुआ करता था। अब यहां से हम और आगे जाएंगे। यहां आगे एक बहुत अच्छा स्पॉट है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
तो फ्लोरिडा एक वक्त में कुछ ऐसा दिखता था। फिशर ने जो जमीन खरीदी थी वो इसी की तरह होगी। ये बहुत नरम है, यहाँ कीचड़ है और क्ले है। एक इंजीनियर के नजरिए से यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर आप एक नींव तैयार कर सके। साउथ फ्लोरिडा के दलदलों को बदलने के बाद भी फिशर नहीं रुके। उन्हें लगा इंजीनियरिंग में ही इसका जवाब छिपा है। यह वेसल असल में एक हाइड्रोलिकली पावर्ड कटर सक्शन ड्रेजर है। यह वैसी मशीन है जिसकी मदद से फिशर को अपना सपना पूरा करने की उम्मीद थी। अब मैं इन कंट्रोल्स की मदद से देखूंगा कि यह काम कैसे करता है। इस बड़े बूम के सिर पर आप देख सकते हैं कि एक खतरनाक सा दिखने वाला कटर व्हील है। मैं इसे ऊपर और नीचे मूव कर सकता हूं। इसके बाद मैं इसे लेफ्ट साइड ले जा सकता हूं और राइट साइड भी। ओके, तो इस नॉब को घुमाने से कटर हेड को पावर मिलती है और ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। इसे पानी में डालने पर ये अपना काम शुरू कर देता है। अब इसकी मदद से मटेरियल को हटाना शुरू करूंगा। जैसे जैसे मटेरियल हटता जाएगा वो इस ऑरेंज होज में जाएगा जिसे हम डिस्चार्ज होज कहते हैं। ये डिस्चार्ज होज एक पंप से कनेक्टेड है जो पानी और सॉलिड मटेरियल को अंदर खींचता है और उसे ट्रक्स या किनारे तक पहुंचा देता है। फिशर के लिए कटर सक्शन ड्रेजिंग एक बेहतरीन सॉल्यूशन था। मैनग्रोव्स को काट दिया गया और ड्रेज किए गए मटेरियल से एक आइलैंड बनाया गया, ठीक वैसा जैसा दुबई के इंजीनियर्स करना चाहते हैं। 1914 और 1928 के बीच फिशर का सपना हकीकत बनने लगा। अब वो लोग हैरान हुए जिन्हें उनका ये प्लान पहले नामुमकिन लगा था। फिशर की सभी कोशिशों का ये एंड रिजल्ट है मायामी बीच। इसे एक इंजीनियर के नजरिए से देखकर अब ये सोचकर यकीन नहीं हो रहा है कि फिशर ने एक दलदली इलाके को लेकर उसे दुनिया का एक बेहद शानदार बीच बना दिया। अब इसे कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। दुबई में इंजीनियर्स फिशर्स के आइडिया को और आगे ले जाना चाहते हैं और अरेबियन गल्फ की गहराइयों से ढेर सारी रेत को निकालना चाहते हैं। ब्लू वाटर्स आइलैंड के लिए हमें 40 लाख क्यूबिक मीटर रेत चाहिए। अगर 5 से 6 महीनों तक हफ्ते के सातों दिन हर रोज यहाँ 2000 ट्रक रेत लाएं, तो ऐसा हो सकता है। इसमें हम दुनिया भर के ड्रेजर्स की मदद ले रहे हैं। इस मुश्किल काम को करने के लिए टीम ने फ्लोरिडा के दलदलों को बदलने में इस्तेमाल हुई मशीनों के बड़े रूप की मदद लेना शुरू किया। हम अपने 2 कटर सक्शन ड्रेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सख्त मटेरियल को ड्रेज करने का काम करते हैं। हम ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक वेसल है जिसके साइड में बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर है जो कि समंदर के तल से रेत और पानी का मिक्सचर खींचता है। रेत इकट्ठा करना अलग बात है, पर अब इंजीनियर्स के सामने एक और मुसीबत है। एक बार पत्थरों और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल से आइलैंड की शेप बनाने के बाद इतनी सारी रेत को आखिर इसमें भरा कैसे जाएगा? आइलैंड को बनाने के पहले फेज में जब पानी की गहराई काफी होती है तब हम वेसल के निचले डोर्स को खोलकर मटेरियल को डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे जैसे आइलैंड बढ़ता जा रहा है इंजीनियर्स को यहाँ रेत डालने के दूसरे तरीके खोजने होंगे। उनमें से एक तरीका होता है रेनबोइंग। हम पानी और रेत के मिक्सचर को आइलैंड की लोकेशन तक पहुंचाते हैं और ये एक रेनबो की शेप ले लेता है। हमने ब्लू वाटर्स में उस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया है। जब वेसल आइलैंड के करीब नहीं पहुंच पाया तब इंजीनियर्स ने एक दूसरी तरकीब का सहारा लिया। वेसल के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक राउंड सिलेंडर बना हुआ है। वो एक फ्लोटिंग पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है और वो उस फ्लोटिंग पाइपलाइन के जरिए मटेरियल को पंप करता है।
जरूरत पड़ने पर हम इंशोर पाइपलाइंस की एक सीरीज के जरिए लोकेशन तक मटेरियल पंप करके पहुंचा सकते हैं। इस तरह के वेसल्स बहुत जरूरी हैं। ये मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। जब हम यहां आए तब कुछ भी नहीं था और अब यहां पर एक आइलैंड है। जहां पहले सिर्फ समुंदर हुआ करता था, वहां अब ब्लू वाटर्स ने डेवलपर्स को 280,000 स्क्वायर मीटर के रियल एस्टेट की एक प्राइम लोकेशन दे दी है। यहां शहर के नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए काफी जगह है, लेकिन इस पर कुछ बनाने से पहले इंजीनियर्स को एक बहुत बड़े चैलेंज को पूरा करना होगा। हमें एक ऐसी साइट दी गई है जिसका मटेरियल बहुत ज्यादा लूज है। ये बहुत अनस्टेबल है, यानी इस पर बनाई बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। मुश्किल का हल ढूंढने के लिए उन्हें पुराने आविष्कारों को समझना होगा। ये मशीन तो बहुत ताकतवर है। इन कास्ट आयरन व्हील्स का साइज तो देखिए। दुबई के पास अरेबियन गल्फ में एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ब्लू वाटर्स पूरी तरह मैन मेड आइलैंड है। इसे समुद्र के तल से लाई गई लाखों टन रेत से बनाया गया है। इस पर शहर का एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बसाया जाएगा और साथ ही सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील भी, एक मेगा स्ट्रक्चर जिसकी ऊंचाई ब्रिटेन की मशहूर लंदन आई से दुगनी होगी। लेकिन इससे पहले कि ब्लू वाटर्स पर कुछ बनाया जाए, इंजीनियर्स को एक और चैलेंज को पूरा करना होगा। रेत के इस बड़े से ढेर को कैसे एक मजबूत नींव में बदला जाए ताकि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट उस पर टिक सके। बिल्डिंग का साइज कभी कभी हमें नर्वस कर देता है। क्या ये बन सकती है? अगर हाँ तो कैसे? क्या ऐसा पहले किया गया है? डेविड मरे इस इम्पॉसिबल से लगने वाले प्रोजेक्ट में शामिल एक लीडिंग इंजीनियर हैं। हमें एक ऐसी साइट मिली जिसका मटेरियल बहुत लूज था। आइलैंड जिस तरह से बना था ये उसी की वजह से है। रेत को पंप करके स्प्रे किया गया है तो यहाँ की रेत ज्यादा ठोस नहीं हो पाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ की रेत बहुत ही कमजोर है। जब ऐसी ढीली रेत पर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो कुछ वक्त के बाद उसमें कमजोरी आएगी, क्योंकि जब बिल्डिंग का वजन रेत पर पड़ेगा तो रेत खिसक सकती है और इससे बिल्डिंग को बहुत डैमेज हो सकता है। इसीलिए इस रेत को और मजबूत बनाने के लिए इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। शायद इसका जवाब पुराने आविष्कारों से मिल सकता है। एक कामयाब कंस्ट्रक्शन के लिए ठोस जमीन के होने की अहमियत को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। अगर आपकी नींव पक्की नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर कभी टिका नहीं रह सकता। और जब बात ट्रांसपोर्ट की आती है तो कच्चे रास्तों पर चलने से आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कम ऑन। एंड्रू स्टील फिलहाल ब्रिटिश मिडलैंड्स में है और एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में बड़ी मशक्कत कर रहे हैं। रेत का टीला तैयार है, अब इसे फ्लैट करके देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पुराने जमाने में जब सड़कें बनाई जाती थीं, तब भारी कास्ट आयरन रोलर्स की मदद से उन्हें पक्का किया जाता था। ये तरीका तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये काम बहुत महंगा और धीमा था। जब एक मॉडर्न रोड नेटवर्क की मांग बढ़ने लगी तब उसे जल्दी बनाने की जरूरत भी बढ़ गई। अब समझ में आ रहा है कि क्यों रेत को फ्लैट करने का इससे बेहतर तेज तरीका खोजा जा रहा था, क्योंकि ये तो बेकार था। पर एंड्रू के लिए अच्छी बात यह है अब ये हुई ना बात, कि
कि 1867 में दो इंजीनियर्स ने इसका हल निकाल लिया था। ये एक बहुत ही कमाल की मशीन है, क्या बात है। थॉमस एबलिंग और रिचर्ड पोर्टर द्वारा बनाए गए स्टीम रोलर ने हेवी इंडस्ट्री को कई मायनों में बदल दिया। ये 125 साल पुरानी मशीन दुनिया में बचे उन चंद पुराने रोलर्स में से एक है। ये मशीन तो बहुत ताकतवर है, इन कास्ट आयरन व्हील्स का साइज तो देखिए, बस भाप की ताकत से ये रोड पर चलती ही जा रही है। काश इसमें पावर स्टीयरिंग भी होती। 10 टन के भारी भरकम वजन वाली ये मशीन किसी भी तरह की रेत या मटेरियल को आसानी से दबा सकती है। वाह क्या बात है। ठीक है, अब इससे रेत को दबा कर देखते हैं। क्या बात है, ये सच में एक शानदार और पावरफुल मशीन है। खैर ये मेरी कोशिश से तो कई गुना बेहतर है। ना सिर्फ हमने एक ही बार में इसे फ्लैट कर दिया और हाथ से करने के मुकाबले ज्यादा एरिया भी कवर किया, बल्कि करीब से देखने पर पता चलता है कि अब रेत बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ठोस है। मैं उस रोलर से ऐसा नहीं कर पाया था। इसे देखकर साफ पता चलता है कि क्यों ये मशीन इतनी पॉपुलर थी। लेकिन इन पुराने स्टीम रोलर्स में एक प्रॉब्लम भी थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल ब्लू वाटर्स आइलैंड के इंजीनियर्स के लिए निकालना बहुत जरूरी है। इन मशीनों को बहुत लो गियर पर चलाया जाता था, इसलिए इंजीनियर्स ने पाया कि ये फ्रंट रोलर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा था और ये रोड को फ्लैट बनाने के लिए बहुत काम में आता है। मैं आपको एक छोटे से डेमो के जरिए दिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है। मेरे पास ये प्लास्टिक कप है, अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सीरियल लेते हैं और इसे इस कप में डाल देते हैं, इतना काफी है। अब उस वाइब्रेशन को दिखाने के लिए मैं इस मॉडर्न टूल इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मैं इस पर थोड़ा सा वाइब्रेशन अप्लाई करूं तो ओह वाव, ये बहुत जल्दी काम कर गया। आप देख सकते हैं सीरियल में राइस के जो छोटे टुकड़े हैं वो अलग दिशा में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब अपनी पोजीशन पर सेटल हो रहे हैं। जब वाइब्रेशन से रेत के कण हिलने लगते हैं वो एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं, जिससे एयर पॉकेट्स बंद होती हैं और वो कंप्रेस हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो इंजीनियर्स इस स्टीम रोलर का मॉडर्न वर्जन बना रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के मशीन में वाइब्रेशन डाला ताकि उनसे काम और आसानी से हो सके। स्टीम रोलर के आने के बाद सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सड़कें बनाना आसान हो गया। ये कमाल की मशीन हमारे पास्ट में बहुत काम आई थी और अब ये हमारे फ्यूचर को बनाने में भी काम आ रही है। दुबई के इंजीनियर्स नई भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल अपने नए आइलैंड को बनाने में कर रहे हैं। उनमें से एक है एबलिंग और पोर्टर्स के पुराने स्टीम रोलर का नया रूप। तो ये एक 27 टन का वाइब्रेटिंग रोलर है। मेरे नीचे की जो जमीन है वो इस मशीन के चलने की वजह से बहुत वाइब्रेट हो रही है। जब ये रोल होती है तब ये वाइब्रेट भी होती है, इससे ये रेत को अच्छी तरह से दबा देती है। इसके पास खड़े होकर महसूस हो रहा है कि इससे जमीन कितनी हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है। इस मशीन को रेत के सरफेस पर रोल किया जाता है, ये इस रेत को और गाढ़ा बना देती है जिससे हमें एक बहुत ठोस लेयर मिल जाती है। वाइब्रेटिंग रोलर्स 2 मीटर तक कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चैलेंज उससे भी बड़ा है। लाखों क्यूबिक मीटर रेत को पूरी तरह कंप्रेस करने के लिए इंजीनियर्स को एक नई तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। ऐसी ढीली रेत से जुड़े खतरों को कम करने के लिए हम एक खास ग्राउंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस करते हैं जो दुनिया के इस कोने में बहुत कारगर और कामयाब रहा है। ये है वाइब्रो कंपैक्शन। ओके उठाओ। ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक दूसरी बड़ी मशीन से मुमकिन हो पाई है। तो ये असल में एक टिपिकल पोकर असेंबली है।
वाइब्रो कंपैक्शन प्रोसेस के दौरान इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर होगा। इसे देखकर ही इसके साइज का अंदाजा लग जाता है। ये 25 मीटर लंबा है। ये जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाता है, जो 4 से 5 मंजिल इमारत के बराबर होती है। वाइब्रो कॉम्पैक्शन तब शुरू होता है जब पोकर जमीन में जरूरी गहराई तक जाता है। जब पोकर वाइब्रेट करता है, उसे कई स्टेजेस में उठाया जाता है, जिससे उसके आसपास की रेत कॉम्पैक्ट हो जाती है। सतह पर बनने वाले गड्ढे को फिर से भरा जाता है और वाइब्रेटिंग रोलर की मदद से उसे फिर से लेवल कर दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह जमीन को कॉम्पैक्ट बनाने का फास्ट तरीका है। इसे एक्सेलरेटेड कॉम्पैक्शन कहते हैं। हमें हजारों साल वेट नहीं करना होता है, ये जल्दी से हो जाता है। लेकिन कई टावर्स और एक बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को ब्लू वाटर्स आइलैंड को और मजबूत बनाना होगा। अगर आप 2 से 3 मंजिल की हल्की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप इस तरह की जमीन पर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊंची बिल्डिंग्स या मेगा स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं तो ये मटेरियल उनके वजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आप बिल्डिंग तो खड़ी कर लेंगे, पर वो कब तक टिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ी कंक्रीट पाइल्स की मदद से इन बड़े बिल्ड्स को एंकर किया जाता है। उन पाइल्स को गहराई तक एंकर किया जाता है। ये सिर्फ पत्थर की सतह तक नहीं रहते, बल्कि इन्हें उसके 10 से 30 मीटर गहराई तक डाला जाता है, और पाइल और रॉ के बीच जो फ्रिक्शन होता है उससे ये बाहर नहीं निकल पाते। रेत के कॉम्पैक्ट होने और नींव बनने के बाद इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। रेजिडेंशियल टावर्स, लग्जरी होटल्स और रिटेल पार्क्स, ये सभी शहर में अपनी नई जगह लेने वाले हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज पूरा नहीं हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील को कैसे बनाया जाए? ये तो बिल्कुल किसी सर्कस की तरह है। इसे यहां से ले जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर पियर्स साइडी इस रिकॉर्ड तोड़ कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज कर रहे हैं। दुनिया में और भी कई ऑब्जर्वेशन व्हील्स हैं, पर ये फिलहाल के सबसे बड़े व्हील से 50% बड़ा होगा। पूरा होने के बाद आइन दुबई अरेबियन कोस्ट से 250 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर होगा। ये मशहूर लंदन आई से लगभग दोगुने साइज का होगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा व्हील बना देगा। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा जिसे तोड़ना शायद ही मुमकिन होगा। एविएशन ग्रेड ग्लास से बने 48 स्पेशली डिजाइंड पॉड्स 1900 पैसेंजर्स को कैरी करेंगे। लेकिन इस बड़े स्ट्रक्चर को संभालने के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स की बात करें तो इसमें 4 लेग्स हैं, हर एक का वजन 900 टन है और लंबाई 125 मीटर। दुबई की सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से इस बड़े पार्ट को रोड से लाना इम्पॉसिबल होगा। इसके पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन पानी के जरिए ही हो सकता था। अब हम एक आइलैंड पर हैं, इसलिए उन्हें एक बार्ज पर लाना पड़ा। हर एक लेग का वजन 5 747 जंबो जेट से भी ज्यादा है। लेकिन इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में मुश्किलें भी बहुत बड़ी हैं। सबसे भारी पार्ट्स हब और स्पिंडल हैं, जो सभी लेग्स को आपस में जोड़ते हैं और 6500 टन के व्हील को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस लगभग 2000 टन के पार्ट को 126 मीटर ऊंचाई तक उठाने की मुश्किल का हल भी निकालना होगा। हम उस टॉप प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉक लगाएंगे और उसे उठाकर नीचे ले आएंगे। क्रेन से तो ये काम नहीं हो पाएगा। पता लगाओ जरा, इस तरफ कोई काम कर रहा है क्या? इस बड़े चैलेंज को पूरा करने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। हम इन्हें 2 बड़ी क्रेन्स की मदद से लिफ्ट करते हैं। जो 3000 टन तक का वजन उठा सकती है। इसे थोड़ा सा राइट ले जाओ
ये लगभग 98% सेफ वर्किंग कैपेसिटी पर काम करती है। इसे थोड़ा सा राइट ले जाओ, अब इसे लेफ्ट में हल्का सा मूव करना। ये दुनिया में अब तक की सबसे भारी और सबसे ऊंची टैंडम लिफ्ट होगी। ये नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसे रोक दो, रोक दो। हाय, काम कैसा चल रहा है? गुड, स्पिंडल के ऊपर तक ले जाओगे? इंजीनियर डैरेन ब्रुक को इनमें से एक लेग से स्पिंडल तक जाने की स्पेशल परमिशन है। यहां आम जनता को आने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। हम अभी लेग वन में एंटर हुए हैं। ये लेग्स करीब 16 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो ये लिफ्ट उसी एंगल में लेग के ऊपर मूव करती है। इसे एंगल के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है। हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहां से 9 मीटर चढ़कर हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो अब हम स्पिंडल के बीच के हिस्से में हैं। ये स्पिंडल जमीन से लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी जगह है। इसका डायमीटर 6 मीटर का है। ये चारों लेग्स को आपस में जोड़ता है। इस जगह में 2 बस आराम से फिट हो सकती हैं। इसके बाहरी हिस्से में जैसा हम इन हैचेस को देख सकते हैं, इसका हब बना हुआ है। ये बड़ा घूमने वाला व्हील अंत में इस यूनिट से जोड़ा जाएगा। हब ही असल में इसका मूविंग पार्ट है और इसमें वो सभी बैरिंग्स हैं जो स्पिंडल के ऊपर लगाई जाएंगी। और ये हब ही पूरे व्हील का लोड स्पिंडल में ट्रांसफर करेगा और फिर वहां से लेग्स में और फिर जमीन में मौजूद व्हील्स की नींव में। ये एक कमाल की उपलब्धि होगी, लेकिन इतने बड़े साइज के प्रोजेक्ट में हमेशा ऐसा एक चैलेंज जरूर होता है जो इंजीनियर्स को पूरा करना पड़ता है। इतने बड़े व्हील को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज है उन मुश्किलों का हल पहले ही निकाल लेना जो यहाँ पर हो सकती है। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पियर और उनकी टीम को परेशानी का सामना करना होगा। ये एक बड़ा काम है और एक बड़ा चैलेंज है, इतने बड़े साइज की किसी चीज को डिजाइन करना और उसे बिल्ड करना। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को बीते वक्त के इन्वेंटर से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जब जॉर्ज फेरिस ने ये आइडिया पेश किया था तो लोगों ने उन्हें पागल समझा था, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा व्हील बन सकता है। दुबई का ब्लू वाटर्स, एक ब्रांड न्यू मैन मेड आइलैंड जिसे समुंदर की रेत से रेजिडेंशियल टावर्स, लग्जरी होटेल्स और रिटेल पार्क्स के लिए बनाया गया। बहुत जल्द यहां एक मेगा स्ट्रक्चर बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील। इस लगभग इम्पॉसिबल से लगने वाले मेगा प्रोजेक्ट जिसकी कंपटीशन किसी से भी नहीं हो सकती, उसकी देखरेख कर रहे हैं एंड्रू कीलिंग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे इसमें स्टील का वजन और व्हील में लगी मशीनरी बढ़ती जा रही है, उससे यहाँ चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट इतने से इतना बड़ा हो गया है, लेकिन इसके चैलेंजेस अब पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ गए हैं या उससे भी ज्यादा। इतने बड़े लेग्स हब और स्पिंडल में लगने के बाद अब लीड इंजीनियर पियर्स साइडी और उनकी टीम को एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। व्हील को कैसे बनाया जाए? रिम को 8 सेक्शंस में बनाया जाता है। उसे बाज से उठाकर वेल्ड किया जाता है और एक स्पेशल पुश पुल सिस्टम में लॉन्च किया जाता है। रेडियस पर लगे विशाल वैगन व्हील जैसे स्पोक्स के सपोर्ट से इंजीनियर्स रिम के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ते हैं, उसे थोड़ा खींचते हैं, फिर उसे अगले सेक्शन में तब तक वेल्ड करते हैं जब तक सर्कम्फरेंस पूरा नहीं होता। अब व्हील असेंबल होकर तैयार है।
मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार व्हील है। हमारे डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के सामने कई चुनौतियां आई पर हमने उन सब का सामना किया। लेकिन वर्ल्ड क्लास व्हील को पूरा करने के लिए एक आखिरी चैलेंज को पार करना जरूरी है। व्हील को खुद को बिना 8 बड़े स्टील फ्रेम स्पोक्स की मदद के सपोर्ट करना होगा। हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ये दिखने में खूबसूरत होना चाहिए। हमें इसे बाकी व्हील्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर बनाना था ताकि ये दिखने में हल्का लगे। तो हमें इसका वजन कम रखना था और इसे मजबूत बनाना था। व्हील को मजबूत और हल्का बनाए रखने के लिए इंजीनियर्स को पुराने आविष्कारों से प्रेरणा लेनी होगी। यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। मैं जल्दी से ऊपर चढ़ना चाहती हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर मेलनी टॉड वियना में है इंजीनियरिंग की एक ऐतिहासिक उपलब्धि को देखने के लिए। वीनर रीजनराड, दुनिया का सबसे पुराना फेरिस व्हील। यकीन नहीं हो रहा है, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को करीब से देख रही हूँ। अब ये व्हील मूव हो रहा है। 65 मीटर की ऊंचाई पर बना ये सबसे बड़ा व्हील था। मैं एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर को अपने हाथों से छू पा रही हूँ। इस व्हील को लगभग 120 साल पहले बनाया गया था। ये बहुत कमाल का है। लेकिन ये पहला व्हील नहीं था। 1993 में अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज वॉशिंगटन गेल फेरिस जूनियर ने दुनिया का पहला फुली सर्कुलर लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन व्हील डिजाइन किया था। वीनर रीजनराड फेरिस के उस मशहूर व्हील के सिद्धांतों पर ही बनाया गया था। जब जॉर्ज फेरिस ने ये आइडिया पेश किया था तो लोगों ने उन्हें पागल समझा था, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा लेकिन पतला स्ट्रक्चर अपना वजन सह पाएगा। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा व्हील कभी बन सकता है। फेरिस उन सबको गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन दुबई के इंजीनियर्स की तरह उनके सामने भी एक बड़ी समस्या आ गई। फेरिस को एक हल्के व्हील का डिजाइन चाहिए था जो अपने वजन को सह सकता था। इस कंस्ट्रक्शन के लिए जॉर्ज फेरिस ने एक प्रिंसिपल को यूज किया जिसे प्री टेंशनिंग कहते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऐसे हल्के कंस्ट्रक्शंस को बिना प्री टेंशनिंग के मुकाबले ज्यादा वजन सहने की क्षमता देता है। ये प्रिंसिपल साइकिल के पहिए पर भी लागू होता है। पुराने छोटे फेयर व्हील्स में आउटर रिम्स को भारी बड़ी बीम से सपोर्ट किया जाता है, एक वैगन व्हील की तरह। लेकिन फेरिस ये समझ गए कि एक मॉडर्न बाइसिकल के स्पोक्स की तरह वो पतले वायर या केबल की मदद से अपने व्हील को मजबूत बना सकते थे। उन केबल्स की कंप्रेशन में कुछ ज्यादा मजबूती नहीं होती, लेकिन जब तक वो अच्छी तरह से कसे हुए होते वो अपना काम अच्छी तरह कर सकते थे। ये देखकर हैरानी होती है कि इस तरह केबल्स को स्पिंडल पर लगाया गया है। फेरिस की इस खोज को एक्सपीरियंस करने के लिए मेलनी इस व्हील की सैर करने वाली हैं। थैंक यू, बहुत स्मूद है। जॉर्ज फेरिस ने असल में व्हील को रीइन्वेंट किया था। उन्होंने लाइट वेट डिजाइन को बदल दिया। उनकी इस कामयाबी की वजह से हम ऐसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील्स देख पा रहे हैं। लगभग 100 साल बाद दुबई के इंजीनियर्स अब फेरिस के आइडिया को और भी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। हमें एक ऐसी चीज बनानी थी जो ना सिर्फ दिखने में शानदार हो बल्कि इंस्पायरिंग भी हो। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जो दिखने में हल्का हो और सीधा टिका रहे। प्री टेंशनिंग की मदद से व्हील के टेम्पररी रिम सपोर्ट्स को हटाकर पतले केबल से ही वजन को संभाला जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमने बेहद मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया। ये केबल्स
300 टन तक का वजन सह सकते हैं। सुपर स्ट्रेंथ केबल्स इस्तेमाल करने के बावजूद इंजीनियर्स अब भी बुनियादी सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं। आप इस व्हील को एक साइकिल के व्हील की तरह मान सकते हैं। आप सारा लोड एक ही पॉइंट पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसा करने पर पूरा रिम मुड़ जाएगा। हमने इतने बड़े डायमीटर के व्हील पर काम करते हुए ऐसे ही चुनौती का सामना किया। बड़े हाइड्रोलिक जैक्स 24 केबल्स को एक बार में कसते हैं। उसके बाद व्हील को तब तक घुमाया जाता है जब तक सभी 192 केबल्स नहीं कस जाते। 100% टेंशन में हर केबल 300 टन वजन सपोर्ट कर सकता है, जो 50 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है। ये उन सभी क्रांतिकारी आविष्कारों का एक नमूना है जो इस व्हील में इस्तेमाल किए गए हैं। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अभी हम जमीन से 135 मीटर की ऊंचाई पर हैं और यहां से दुबई का नजारा बहुत खूबसूरत लगता है। यहां से कमाल का व्यू मिलता है। अगर ये लंदन आए होता तो अभी हम इसके टॉप पर होते, लेकिन दुबई में हम व्हील के सेंटर में हैं। हम सिर्फ यहां सबसे बड़ा व्हील नहीं बना रहे, बल्कि हम यहां की हर चीज को बड़ा बना रहे हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है और हम खुश हैं कि हमें यह मौका मिला। इस शानदार कंस्ट्रक्शन में शामिल टीम के लिए इसकी कामयाबी बहुत मायने रखती है। हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग की हदों को पार करने की कोशिश की। हम हर एक चीज के साथ कुछ नया कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर कई चैलेंजेस से निपटना होता है। ऐसे चैलेंजेस जिनके बारे में आज से 10 या 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पर आज ये पॉसिबल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है और इसे बनाने के लिए हमने एक बेहतरीन टीम के साथ दुनिया के सबसे बड़े इक्विपमेंट्स की काफी मदद ली है। मुझे लगता है जब हम इस व्हील पर पहली बार पैसेंजर्स को चढ़ते हुए देखेंगे तो हमें राहत, खुशी और बहुत गर्व महसूस होगा कि हम इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। एक शानदार आइलैंड जो समुंदर के तल से बनाया गया, एक सिटी डिस्ट्रिक्ट जो वहां टिका है जहां सिर्फ पानी हुआ करता था, और एक बेहद विशाल मेगा स्ट्रक्चर जो समुंदर से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये सब उस शानदार काम की कहानी बयां करते हैं जो हमारे इंजीनियर्स ने किया। ये ऐसा काम है जिस पर इन सभी को नाज है। मुझे लगता है कि इस वक्त ये दुनिया में हो रहा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला। पुराने आविष्कारों से प्रेरणा लेकर उन्हें बदलकर, बड़ा बनाकर और चुनौतियों का सामना करके। यहाँ मुझे कई चैलेंजेस का सामना करना होता है, लेकिन अच्छा लगता है जब हम प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं ये सोचकर कि हमारी बनाई चीज आने वाले 50 या 100 सालों तक टिकेगी। मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस होता है। इंजीनियर्स ने हमेशा हदों को तोड़ने की कोशिश की है। एक ऐसे शहर में जहां सपने पूरे होते हैं, उन्होंने बनाया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल। हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि भले ही कितनी भी मुश्किलें आए, हमें इसे पूरा करना ही है। हमने दुनिया की बेस्ट टीम के साथ काम किया और एक मेगा प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया। हमें अपनी इस कामयाबी पर नाज है। ये दुबई की एक और कामयाबी है।